हेलो ब्रून, आज इंसान अपनी डेली लाइफ में बैटरीज का इस्तेमाल हर जगह पे करने लगा है। बात की जाए स्मार्टफोन की या फिर बात की जाए लाइट कटने के बाद इन्वर्टर्स की, हर जगह हमें बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको भी पावर देने के लिए बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बैटरीज की कमी ये है कि हमको उनको चार्ज करना पड़ता है और उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन स्मार्टफोन्स के लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है फास्ट चार्जिंग की, यानी कि हम कम टाइम में अपनी बैटरी को जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे कि हम से लेके बाइक तक और ट्रक से लेके ट्रेन तक हर एक चीज़ में बैटरी का इस्तेमाल करें और उसमें ज़्यादा पावर भी ना देनी पड़े, यानी कि कम टाइम लगे चार्ज होने में, तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ सुपर कैपेसिटर्स की। हम अपनी डेली लाइफ में जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं लिथियम आयन बैटरीज। ये बैटरीज एक केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करती हैं। हम इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक सेपरेटर के द्वारा। जब भी ये बैटरीज चार्ज या फिर डिस्चार्ज होती हैं तो आयंस कैथोड से एनोड तक बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, जिसकी वजह से ये बैटरीज हीट होती हैं और हीट होने की वजह से इनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। अगर बात करें कैपेसिटर्स की, तो कैपेसिटर्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी का स्टोरेज नहीं होता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिकली। इसमें भी दो प्लेट्स होती हैं जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होती हैं। इनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर एक इंसुलेटर होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करता है एक दूसरे प्लेट से। कैपेसिटर्स में पावर थ्रूपुट कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाते हैं। 1957 में पहली बार सुपर कैपेसिटर बनाया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने, और फिर 1979 में NEC कॉरपोरेशन, जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसने कंप्यूटर्स मेमोरी के लिए सुपर कैपेसिटर्स को बनाया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारों में भी सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी इम्प्रूव कर देंगी इन इलेक्ट्रिक कारों की। अब बात करें अगर डिमांड की सुपर कैपेसिटर्स की, तो ग्रेफीन बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स की डिमांड को ज़्यादा ही बढ़ गई है। बात करें अगर इसके डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें भी दो प्लेट्स होती हैं जो दोनों में से किसी एक साइड में इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, जो कि इनक्रीज कर देंगे चार्जेस को, और इसकी वजह से चार्जिंग टाइम और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। सुपर कैपेसिटर्स में प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को 1 नैनोमीटर के लगभग किया जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी एनर्जी की बढ़ेगी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आज के टाइम में अगर बात की जाए तो लैम्बोर्गिनी भी इस्तेमाल कर रही है सुपर कैपेसिटर्स को अपने पावरफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। यहां तक कि टेस्ला ने भी मैक्सवेल टेक्नोलॉजीज को भी एक्वायर किया है सुपर कैपेसिटर्स टेक्नोलॉजी के लिए। और अगर बात करें इस टेक्नोलॉजी में, तो जब भी कारें स्लो डाउन होती है यानी डिसेलरेट होती हैं, तो कैपेसिटर्स चार्ज हो जाते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए कार्स को। सुपर कैपेसिटर्स की वजह से चार्जिंग टाइम इतना ज़्यादा कम होगा कि आने वाली कुछ सालों में बसेस में भी, इलेक्ट्रिक बसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि लगभग 50 सेकेंड से भी कम टाइम में ये बसेस इतनी ज़्यादा चार्ज हो जाएंगी कि नेक्स्ट स्टेशन तक इनको बैटरीज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें अगर सुपर कंप्यूटर्स में ग्रेफीन की सच्चाई की, तो ग्रेफीन की कोटिंग होने की वजह से एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और आने वाले कुछ सालों में सैटेलाइट और इलेक्ट्रिक बाइक में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रेफीन क्या करता है कि कैपेसिटर्स की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी स्टोरेज की के लिए जगह ज़्यादा मिल जाती है और एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाती है। आने वाले कुछ सालों में सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल हर जगह होगा, चाहे बात की जाए स्पेस टेक्नोलॉजी की या फिर अर्थ पे चलने वाली हर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की, हर जगह सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमको हर जगह यानी कि हमारी रेंज को इंक्रीज कर देगी और पावर डिसिपेशन काफ़ी नेचुरल होगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमको, अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो हमको ज़्यादा
टाइम तो नहीं चाहिए होगा चार्जिंग के लिए, इसीलिए इन सभी डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में कमी आएगी और हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि इसी तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें।